आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश मोटरसाइकिल से बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे और पुलिस की चेकिंग के बाद भागने की वहां से कोशिश की। तस्वीर भी दिखा रहे हैं। पुलिस ने दावा किया कि इस दौरान बदमाश ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश पर 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं और बदमाश के पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों की किस तरीके से शामत आई है उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, इससे होगी पूछताछ और क्या इसके और साथी भी इलाके में एक्टिव हैं, इसके बारे में भी जानकारी बदमाश से ली जाएगी। और देखिए, गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, जिसके बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, चेन स्नैचर इसको बताया जा रहा है, और कई वारदातों को अभी तक अंजाम दे चुका है। कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने की और फिराक में था, लेकिन उससे पहले पुलिस से हो गई मुठभेड़ और इसको गिरफ्तार कर लिया गया।